बोलिए। लता मंगेशकर जी की कल डेट हो गई थी, क्या कहना चाहोगे? हाँ, आप कैमरे के बीच में मत आइए। हाँ, राखी जी, एक मिनट, पहले हमारा खत्म, वापस राखी जी, वापस रुक रुक, वो बाद में, बाद में लेना, सिंगल सिंगल बात में करते, जो करना है और भी जाना रोहित ना, आई एम फीलिंग वेरी सैड, शाहरुख खान जी का एक मिनट हो रहा है, राखी जी स्टार्ट करता हूँ, राखी जी, राखी जी कल लता मंगेशकर जी की डेट हो गई थी, क्या कहना चाहोगे आप? लता मंगेशकर जी को तो मैं माता सरस्वती का रूप ही मानती हूँ और हम लोग बहुत ही ज़्यादा सैड है, पूरा देश, और आज छुट्टी भी है और शॉकिंग है, बट वो हमारे बीच में से नहीं गई है, उनकी आवाज़ हमारे कानों में, हमारे डीएनए में गूंजती है और वो हमारे साथी हैं, और मैं प्रे करती हूँ कि जितने भी बड़े बड़े स्टार्स गॉड के पास गए हैं, गॉड उन्हें जादू की जप्पी दे और उनके लिए स्वर्ग में बहुत इटर्नल लाइफ दे, उन्हें इटर्नल लाइफ, यू नो इटर्नल लाइफ होती है, क्या पता है आपको, इसके बाद भी एक जीवन होता है, उसके लिए बहुत नेक काम करने पड़ते हैं इसके बाद भी जीवन के लिए, तो मैं यही बात कहना चाहूँगी कि लता जी का कौन सा गाना गाऊं? 36,000 गाने का है, 36,000 मुझे तो गाने नहीं याद है, जो आपको एकदम एकदम दिल से एक प्यारा वाला नहीं, लग जा गले तो सभी डाल गाते हैं, आपको तो आप अपने हिसाब से गा दो, अजीब दास्तान अपने तरीके से है। हां अच्छा, वैसे मैं तो बहुत अच्छी सिंगर हूं ऑफ कोर्स, या बट मैंने सीखा है अनूप जलोटा जी से, थोड़ा सा सीखा है, बट ज़्यादा नहीं सीख पाई हूँ, बट जितना भी सीखा है अच्छा सीखा है। कौन सा गाना गाऊँ? कोई भी आपको अच्छा लगे, वैसे तो मैं कोई भी सुर में कोई भी गाना गा सकती हूँ, आप अपने हिसाब से आप गा दो अच्छा। आपका जो फेवरेट? अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिले है कौन सी, न वो समझ सके न हम। राखी जी और कौन सा, और कौन सा, और कौन सा गाऊं? शाहरुख खान के और कौन सा, और लता जी के तो बहुत सारे गाने, शाहरुख जी के साथ बहुत ज्यादा। थाड़ी रही हो बाके यार रे, थाड़े रही हो ओ बाके यार, इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा। वाह वाह वाह, क्या बात है, अच्छा गया क्या? फोटो बाद में अभी कोई सॉन्ग बताओ भाई, अंसारी साहब आप इधर आओ, मैं आओ यहाँ पे, अरे अभी तो गाने चल ही रहे हैं ना, एक मिनट इधर आओ, और इधर आओ भाई, पीछे कर रहे हो, पीछे जा वीडियो वाला ना, अभी क्या सब लोग आ जाते हैं ना तो मैं क्या गाना भूल जाती हूँ, वैसे मुझे हर गाने याद है, कॉपीराइट ना आ जाए हम लोग को बजा के, कॉपीराइट तो है। आखिरी को सारे से देख ले, लिरिक्स निकाल लीजिए, कोई गाना बता दो भाई, कोई तो बता दो, ये भाई ये नाम गुम जाएगा, गाइए नाम गुम जाएगा, क्या बात, अरे जा जा गाना, ये बदल जाएगा मेरी आवाज़ ही पहचान, कर याद रहे लता जी, वी लव यू, और हम मरते दम तक, हम कभी भी देश की जनता,
आपको नहीं भूल पाएगी। और जब आप तो अभी स्वर्ग में हो और प्रभु परमेश्वर ऊपर वाला आपको तो जादू की झपकी दे रहा है। ओह माय गॉड, वेरी नाइस, हमारी लेजेंड है। हाँ सो और मैं एक जी आप कुछ बोल रहे थे राखी जी, कल जो शाहरुख जी कल गए थे उनको ज्यादा कुछ ट्रोल किया गया है, ये बहुत गलत बात है दोस्तों, ये सब नहीं होना चाहिए। शाहरुख जी हमारे बॉलीवुड के लेजेंड हैं और ये जो आप लोग कर रहे हैं, कौन लोग कर रहे हैं, थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि देखिए वो वहाँ पे जाके दुआ पढ़ के कूदते हैं, तो वो आप लोग जो गलत ये जो कर रहे हो ना, ये गलत बात है। कोई थुका उका नहीं है उन्होंने, जब नमाज पढ़ते हैं ना, और वो एक हस्ती है, वो हमारी लेजेंड है, तो नमाज पढ़ने के बाद है ना फूका जाता है, फूकने का मतलब है वो दुआ कबूल हुई, तो उनको जन्नत में जगह मिलती है। आपको समझ में आ रहा है क्या? तो ये सब गलत है ना, मत फैलाओ, शर्म करो, बहुत गलत बात है भाई, ऐसा मत करो, जी और जीने दो। और शांति से बड़े बड़े सेलिब्रिटी फ्यूनरल पे गए हैं, तो थोड़ा सा शर्म करो भाई, सबका अलग अलग वे होता है दुआ करने का। हम लोग ऐसा करते हैं, फिर कोई ऐसा करता है, कोई दुआ पढ़ता है, कोई आशीर्वाद देता है, तो आशीर्वाद लो ना कि उनको क्रिटिसाइज करो, शर्म करो यार। थैंक यू सो मच। मोदी जी भी गए, चलो अभी गाड़ी इधर है, इधर है गाड़ी, इधर है गाड़ी, अभी नहीं, एक सेल्फी, एक सेल्फी ले लो आपके लिए, एक सेल्फी। राखी जी कल मोदी जी भी गए थे, सेल्फी लेना नहीं आता है लेती लेती भैया, सेल्फी तूने ले लिया। ये हमारे जो है क्यूट भाई इसराइल अंसारी, इसराइल इसराइल अंसारी, ओ माय गॉड, अपना भाई है भाई, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आप भी ऐसा सबको सपोर्ट करो जैसा ये सबको सपोर्ट, मैं सबको सपोर्ट करती हूँ, वेरी नाइस, चल जाऊं क्या मैं, मेरी गाड़ी का है, इधर 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 मैडम के साथ मेरी सेल्फी, ओके थैंक यू, ओ हेलो, मास्क पहनो, यस, अभी तक मेरे पेरेंट्स गया नहीं है, आ जाओ आ जाओ, मास्क मास्क इधर देखो आप, अरे इधर देखो, मेरा मास्क गाड़ी में है, तुम पकड़ लिए, तुम्हें कहां, चलो आज चैनल आ रही है, नई गाड़ी ना, BMW कभी आ रही है, BMW सरप्राइज, और कौन दिया है, मेरे सबसे बड़े फैन, नाम वो कंगना का, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कंगना का नया शो आ रहा है लॉकअप करके, उसमें क्या बिग बॉस को कोई शो कंपेयर नहीं कर सकता, बिग बॉस है, शाहरुख खान क्या, उन्होंने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा भी बोला कि ये तुम्हारा भाई का घर नहीं है, ये मेरा घर है, भाई का घर मतलब भाई का घर नहीं है, मेरा लॉकअप है, कौन बोला, कंगना मैम ने, वो लॉकअप में जा रही है, थैंक यू गॉड, थैंक यू, अच्छा हुआ शो में, अरे बिग बॉस का कोई कंपैरिजन नहीं है, सलमान खान का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, तो बिग बॉस में मजा ही नहीं आता, बट सलमान खान का कंपैरिजन कोई नहीं है भाई, बिग बॉस बिग बॉस है, बिग बॉस कितना लेता है, भाई बिग बॉस बिग बॉस है, और देखे जब आप गुची और ये अलग अलग लेते हैं ना, तो उसका तो कॉपी है, तो फर्स्ट कॉपी तो हमसे क्या जाने के लिए, तो आप जाओगे मैम, अरे भाई तू मेरे को छोड़ दो, तू मेरे बैठ के बीच में हाथ डाल रहा है भाई, अगर आपको देखो मुझे तो कोई ऑफर आया नहीं है, है ना, अगर ऐसे शो आते हैं तो मैं तो खुद ही होस्ट करना चाहूंगी, भाई के बाद बहन, सलमान भाई के बाद बहन होस्ट करेंगे, तो ऐसा कोई शो आ गया ना तो मैं होस्ट करूंगी, और मेरा स्टाइल सबसे पॉप स्टाइल होता है, एकदम हटके, अगर लॉकअप में जा रहा है तो मेरे से खड़ूस जेलर कौन है भाई, खतरनाक जेलर, एक एक को उल्टा टंगा दूंगी, लेकिन बिग बॉस बिग बॉस है, बिग बॉस का कोई कंपैरिजन नहीं है, चलो
कितना लेंगे तू मेरे लिए खड़ी की तेरे बॉयफ्रेंड के साथ खड़ी नहीं बहन थैंक यू बहन चल आशीर्वाद सूरज चांद रहेगा बिकॉज और सलमान भाई का नाम रहेगा थैंक यू चलो।